आज की इवेंट को लेकर बड़ा एक्साइटेड और खुश हूँ। एक्चुअली इस तरह के इवेंट होने जो है ना स्टूडेंट्स के लिए बड़े जरूरी हैं, और ये स्टूडेंट की एकेडमिक एक्टिविटी है। इस एकेडमिक एक्टिविटीज के जरिए से अपने आप को एक तो उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, और दूसरा स्टूडेंट्स को पता चलता है कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में भी अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट कल्चर के जो है पेशेंट्स आते हैं, तो जब वो एक दूसरे के कल्चर को बेहतर तौर के ऊपर समझते हैं तो उनको फिर मौका मिलता है क्योंकि दूसरे कल्चर को हम रिस्पेक्ट कैसे देनी है। इसकी इम्पोर्टेंस जो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि ये एक सोशियोलॉजी एक ड्राई सब्जेक्ट है बिल्कुल, और फिर स्टूडेंट उस तरह से इसको पढ़ते नहीं है और परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आती, रिजल्ट उस तरह से नहीं आते। तो इसलिए बेसिकली इनको करवाने का मकसद ये है कि इनको कल्चर वैल्यू बिलीफ के बारे में पता हो, ताकि क्योंकि ये जब एज अ केयर टेकर काम कर रहे होते हैं तो इनके पास मल्टीपल पेशेंट आते हैं, मल्टी कल्चरल पेशेंट आते हैं, फिर इनको डील करने में आसानी होती है। जब इनको इनके वैल्यू बिलीफ का पता होगा तो ये इसके अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। तो इस तरह से इनका नॉलेज भी इनहेंस होता है, नॉलेज भी आता है, और साथ साथ में ये इन्जॉय भी करते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, जैसे ये एक्ट करके चीज़ों को लर्न कर लें, इट्स मोर बेनिफिशियल एंड मोर इफेक्टिव, इवन इट्स मोर लॉन्ग लास्टिंग। लाइक नर्सिंग केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक ये डिफरेंट कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे, उनके वैल्यू बिलीव नहीं जानेंगे, उनके फूड के बारे में नहीं जानेंगे, तो पेशेंट की केयर उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन जब इनको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बेसिक्स का पता होगा तो ये केयर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा है, अगर ये प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते हैं तो इनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। इवन दूसरे भी जो हैं जो भी इनको विजिट करने आ रहा है, दे कैन गेट सम इंफॉर्मेशन थ्रू दीज एक्टिविटीज़। आज हम लोग अपना कल्चरल डे प्रेजेंट कर रहे हैं। बीइंग अ नर्स हमें चाहिए कि हम दूसरे कल्चर्स के बारे में सीखें। अगर हमें दूसरे कल्चर्स का पता नहीं होगा तो हम डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट लोगों को हम लोग वो केयर नहीं दे सकते जो वो डिज़र्व करते हैं। सो ऐसे इवेंट्स हर कॉलेज में, नर्सिंग के अलावा भी हर कॉलेज में, हर स्कूल्स में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इससे एक तो आप में ग्रूमिंग आती है, दूसरे आप अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हो। आज हम पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पंजाब का कल्चर हमारे लिए बहुत ही कलरफुल कल्चर है और हम इसको प्रेजेंट करने के लिए अपनी सारी कोशिश कर चुके हैं, और मेरे सब ये साथी जो मेरे क्लासमेट्स हैं ये सब पंजाब के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद मी। और हमने इसमें जो है वो ये सब कुछ सीखा कि हमारे डिपार्टमेंट से यानी नर्सिंग से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि हमने इधर से क्यूजींस को सपोर्ट स्पोर्ट्स को, और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो नर्सिंग जो है बैकवर्ड एरियाज़ में पंजाब के उनको हम लोगों ने जो है वो फोकस करने की कोशिश की है। आज जो है मैं बलोची कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मेरे साथ जो है मेरे कोलीग्स भी हैं वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बेसिकली जो है बलोचिस्तान एक सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। बलोच जो है एक बहुत मुनफरद कौम है, बाकी इनकी खाने पीने में स्पेशल जो है वो सज्जी है और बहुत शौक से खाते हैं, और पुलाव है, पुलाव को हम बट बोलते हैं।